हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका जी एजुकेटर रोहित कुमार आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो प्रारूप समिति है उसके बारे में और प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी की नियुक्ति कब की गई थी। तो हमें पता है 29 अगस्त 1947 को, 1947 को संविधान सभा में एक प्रस्ताव पेश किया जाता है और उस प्रस्ताव के माध्यम से प्रारूप समिति की नियुक्ति की जाती है। और फिर 30 अगस्त 1947 को पहली बैठक में प्रारूप समिति ने बीआर अंबेडकर को अपना अध्यक्ष मान लिया, अपना अध्यक्ष चुन लिया। तो आपको पता है प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, 7 मेंबर थे। तो इस मेंबर में जो 7ों के नाम हैं हम बहुत कंफ्यूज करते हैं, एग्जाम में भूल जाते हैं। तो इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको 7ों मेंबर के नाम बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। तो कैसे, देखिए, अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा साथ खेत पर। समझिएगा, अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा साथ खेत पर। तो सर इस कैसे निकाले, यानी अंबेडकर से बी आर अंबेडकर। अब दूसरा वर्ड क्या था, आए यानी एन गोपाला स्वामी आयंगर। फिर अंबेडकर आए मित्र यानी बीएल मित्रा, मुंशी केएम मुंशी, कृष्णा यानी कृष्ण स्वामी अय्यर, साथ खेत साथ यानी सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और खेत यानी डीपी खेतान। तो ये 7 सदस्य हैं जो प्रारूप समिति के सदस्य रहे हैं। तो याद रहेगा इस ट्रिक से, ट्रिक एक बार फिर से दोहरा लें, अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा साथ खेत पर, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे। तो उम्मीद करेंगे ये ट्रिक पसंद आई होगी। थैंक यू, शुक्रिया।